उन्नाव गैंगरेप मामले में सीबीआई द्वारा बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सहगर की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम अपराधी और भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपराधी कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, मुझे विश्वास है सीबीआई विधायक को भी गिरफ्तार करेगी। हमारी सरकार इस मामले में किसी तरह का समझौता नहीं करेगी, चाहे कितना भी प्रभावशाली आरोपी क्यों ना हो, वह बख्शा नहीं जाएगा। उन्नाव रेप केस में 6 सस्पेंड पुलिस वालों को सीबीआई ने हिरासत में लिया है। सीबीआई टीम की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी, अब चीफ मेडिकल ऑफिसर से सीबीआई पूछताछ कर रही है। हॉस्पिटल में पीड़िता के पिता की जांच में लापरवाही बरती गई थी। के संज्ञान में मामला आते ही 9 तारीख को हमारे संज्ञान में मामला आया था। हम लोगों ने तत्काल SIT गठित करके इस मामले में कार्रवाई प्रारंभ की। SIT की रिपोर्ट में जो पुलिसकर्मी और जो चिकित्सक दोषी पाए गए थे उनके निलंबन की कार्रवाई करते हुए पूरे प्रकरण को हम लोगों ने CBI को रेफर किया है और मुझे लगता है कि कल रात्रि में CBI ने विधायक को गिरफ्तार भी किया होगा। अपराध के मामले में और भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने की जो हमारी प्रारंभ से ही नीति रही है, हमारी सरकार इस मुद्दे पर किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। अपराधियों से भी, चाहे वह कोई भी हो, कितना बड़ा क्यों ना हो, बहुत सख्ती के साथ निपटने का कार्य करेगी। बताया जा रहा है कि कुलदीप को CBI ने उनके लखनऊ स्थित घर से सुबह करीब 4:30 बजे पकड़ा है। अब CBI आरोपी विधायक को कोर्ट में पेश करने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक हिरासत में लिए जाने के बाद कुलदीप सिंह को लखनऊ के हजरतगंज स्थित CBI ऑफिसर ले जाया गया। यहां पर CBI उससे लगातार पूछताछ कर रही है।